सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो पूरी अपन असॉल्टिंग ड्रिल्स पे बनाए हुए, पार्ट 3 है इसका। इसमें अपन पूरा फोकस दिए रिफ्लेक्सेस पे और पीक कैसा फास्ट करना इसके ऊपर है। पूरे TDM ड्रिल्स है, आप वीडियो एंड तक देखो, जरूर मजा आएगा आप लोगों को, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। सो गाइस, सबसे पहली ड्रिल आप लोगों को ये डब्बे का आना है। ये डब्बे का आपको TPP लेना है और पीक से ही मारना है आपको एनिमी को। सामने जैसे आप देख सक रहे हैं एनिमी है अभी सामने, सेम जगह पे ये वॉल पे बंदा TPP लेने वाला है। ये वॉल पे उन्हें TPP लेगा, उसके उन भी मेरे को पिक करके मारेगा, मैं भी उसको पिक करके मारूंगा। ये कैसा दिखता पहले देखो, उसके बाद क्लियरली आप समझ जाते हैं हाँ इसके फायदे क्या है। सो बता तुम देखो, सो गाइस जैसा आप लोग देखे इसमें आपका पीक मास्टर हो रहा। एक्सपायर्ड, Reloading. No. So guys, जैसा आप लोग देखे इसमें पीक जब आप करते हैं आपका प्लेसमेंट हेड पे रहता, मतलब वो पीक इतना मास्टर करना आप कि जब भी आप पीक करके बंदे को मारे आपका एम हेड पे खुलना। आपको यही चीज सेम राइट से भी करना है और ऐसे लेफ्ट से भी करना है, अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट करो ताकि आपको कंपटीशन मिले। से ये जगह याद रख लेना बस, ये आपकी जगह है और ये सामने वाले की जगह है। ये वॉल उन्हें वो कवर से खेलेगा या तो ये डब्बे गन से खेलेगा, ये दो कवर उसके, ये दो कवर अपने। और जब आपके 10 पॉइंट हो जाते पोजीशन चेंज, आप वो पोजीशन पे चले जाओ और एनिमी ये पोजीशन पे आता। ये पीक के लिए सबसे पहली ड्रिल जो आपका पीक इंप्रूव करता, बहुत फास्ट करता, लाइक जब भी आप एम खोल के मार रहे बंदे पे हेड पे खुलता उससे प्रैक्टिस होती। सो गाइस सेम वो सेकंड पोजीशन से कैसा दिखता देखो। यहाँ पे सबसे एक बात बोल देता हूँ गाइस आप लोगों को, हार्ड स्कोप लेके नहीं बैठना कभी भी किसी के अगेंस्ट कर रहे तो, तुरंत रिफ्लेक्स पे आके स्कोप खोल के मारो और जितना कम सर मतलब बॉडी एक्सपोज कर सकते हो उतना कम करो। मोस्टली आपका सर ही दिखना, खाली आपकी खोपड़ी इसको दिखना बस और दूसरा कुछ भी नहीं। सो गाइस जो भी ड्रिल्स मैं अभी पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ इसमें एक रूल है देखो, लेवल 3 वेस्ट हेलमेट नहीं उठाना, जो भी डैमेज हो रहा आप लोगों का उसके साथ ही खेलना, तो ही आपका वो हार्ड लेवल रहता। जब भी आप डैमेज खा रहे अगर आप हेल्थ भी पूरी हील कर लेके वापस आप पीक दे रहे फिर भी आपका हेलमेट डैमेज देना तो वैसा इजी रहता। अगर वापस नया लेवल 3 हेलमेट लेके आप पीक करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, सामने वाले को भी डिफिकल्ट होता आपको भी। तो हेलमेट वैसे उठाओ इस नको और खाली जो भी डैमेज हो रहा है उसके साथ ही खेलो। जितना बॉडी कम एक्सपोज कर सकते हो उतना कम करो, सिर्फ हेड ही दिखाओ ऐसा, समझ रहे ना। उन्हें कितना कम हेड बताया एक बार स्लोमो में जूम करके देखो आप लोग, कितना कम हेड बता रहा उन्हें। मैं भी ट्राई कर रहा हूं मेरा जितना बॉडी कम एक्सपोज करूं उतना कम कर सकूं। रिलोडिंग, देख रहे गाइस उन्हें कैसा सिर्फ सर दिखा रहा उन्हें मेरे को, लाइक उसका सिर्फ बॉडी बिल्कुल नहीं दिख रहा, उसका सिर्फ हेड दिख रहा, वैसे ही करना है आप लोगों को। देख रहे बिल्कुल भी मतलब सिर्फ उसका बॉडी दिख रहा है, वो सिर्फ खाली खोपड़ी दिख रही थी। ऐसा देखिए उन्हें भी ऐसा मेरा सिर्फ हेलमेट पे मारा मेरी वैसे को ज्यादा डैमेज नहीं करा। वैसे आप लोगों को खेलना है सिर्फ हेलमेट टारगेट करना है, इससे आप लोगों के पीक फास्ट होते हैं, पीक पे एम हेड पे ही खुलता टारगेट, जब भी पीक कर रहे हैं आपका टारगेट के हेड पे ही एम खुलता। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रिल, ये ड्रिल क्या है बोले तो आपको यहाँ से बॉडी एक्सपोज नहीं करना है, ये डब्बे से खेलना है आपको, पीक करके क्राउच अनक्राउच करके आपको सामने मारना है। अब ये एक एनिमी का फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन जहाँ से दूसरा एनिमी देखेगा वो ये है यहाँ से। सो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे बंदे का है पोजीशन यहाँ पे, उन्हें पीक करके मारेंगे उसको, इससे क्या होता सिर्फ हेड पे मार सकता उन्हें। जब भी आप बॉडी एक्सपोज कर रहे सिर्फ हेड ही एक्सपोज करो ताकि आपकी हेड एक्यूरेसी जो रहती वो बढ़ जाती, टारगेट आपका जब भी आप एम खोल रहे सीधा हेड पे घुलता और इससे पीक भी फास्ट होगा आपका। क्राउच अनक्राउच, क्राउच करके पीक करना, अनक्राउच करके पीक करना या स्ट्रेट खोलना जो भी है ये सब प्रैक्टिस होता है उससे। तो एक कैसा दिखता ड्रिल देखो आप सबसे पहले। Cover me. Killing spree for the blue team. Kill. Ooh.
Nice shot. Cover me. Kill. So guys, जैसा आप लोग यहां देखिए, ये ड्रिल में आपका पीक फास्ट होता, आपका क्राउच अनक्राउच फास्ट होता, और जितना बॉडी कम एक्सपोज कर सकते हैं उतना कम करने का ट्राई करो, ताकि हेड पे ही आप प्रैक्टिस कर सके। सिर्फ हेड पे आपके मोस्टली हेडशॉट्स लगना आपके, ये ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे तो। जब भी आप एनिमी पे एम खुलते गाइज, हेड पे खुलना आप लोगों का एम। ये ड्रिल प्रैक्टिस इतना करो, आपको देखने में आसान लग रहा है, ये ट्राई करके देखो। अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट, आपके जो भी दोस्त है अच्छे, उनके अगेंस्ट ट्राई करके देखो, आपको ईजी मालूम पड़ता। जैसा कंपिटेटिव में रिजस पे फाइट होती, कैसा टीपीपी क्राउच अनक्राउच, कैसा स्कोप खोल के मारना, पूरा इसमें ड्रिल प्रैक्टिस करे तो अच्छा मास्टर कर ले सकते आप। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रिल, एक एनिमी आपका यहाँ पे रहेगा, जिसके साथ भी आप खेल रहे हो, उन्हें यहाँ पे बैठे हुआ रहेगा, पूरा डैमेज जोन दरा करेगा उन्हें वहां से। उसका मिशन क्या है बोले तो, मेरा मिशन पहले बता दो, मेरे को यहाँ से उसको पुश करके उन्हें डैमेज जोन दरा करते रहेगा, मेरे को यहाँ आने के तक उसको मार देने का है। और उसको भी सेम, मैं ये क्रॉस नहीं करने देना है उसको, मेरे को भी उन्हें यहाँ आए जब तक मार देना। मेरा टारगेट ये है, ये क्रॉस मेरे को नहीं करना है, उसके पहले इसको मार देने का है। सम देखो आप कैसा दिखता है, वो ड्रिल कैसा दिखता है देखो। Expired. Nice shot. Target down. Cover me. समझ रहे ना गाइस, यहां से आपको पूरा प्रॉपर डैमेज जोन दराव करना है उन्हें। उसका टारगेट ये है कि मेरे को ये सिचुएशन में उन्हें मार देना, और उसका टारगेट ये क्रॉस नहीं करना। Nice shot. समझ रहे ना गाइस, यहां से आपको प्रॉपर डैमेज जोन दराव करते रहने का है उन्हें। उसका टारगेट ये है, उसमें उसको मार देना बस, इन्हें जैसा भी खोपड़ी दिखा रहा, जैसा मैं बता रहा हूं वो टाइम पे उन्हें मार देना। आया देखो वापस, एनिमी डाउन। ऐसा अब सेम सिचुएशन में मैं उधर जाके बताता हूं, देखो। आपका टारगेट ये है कि उसको मारने का है, और इसमें लेवल 3 हेलमेट वेस्ट नको उठाओ, क्यों तो फिर इजी नहीं रहेगा। The blue team has scored for the first time. ऐसा आपको प्रॉपर आपके रिफ्लेक्स पे उसको मारना है, इससे आपका रिफ्लेक्स बढ़ता, और वो पोजीशन में जब आप जाते हैं आपको प्रॉपर डैमेज जोन दराव करना है। आप जितना बच सकते हो उससे उतना बचने का ट्राई करो। सेम वापस देखो आप, पूरा रिफ्लेक्स का गेम है, उन्हें पूरा प्रॉपर डैमेज जोन दराव करना। देखे ना आप कैसा पीक, मतलब स्कोप इतना फास्ट खोलना, जो भी आप मूवमेंट दे रहे उसका डैमेज जोन दराव फेल होना, और जब आप वो स्पॉट में जाते इसका रिफ्लेक्स फेल हो जाना। समझ रहे ना, वापस देखो, रेडी। देखिए गाइस, आपको पूरा प्रॉपर रिफ्लेक्स पे मारना है, पूरा आपका इसमें स्कोप टारगेट पे खुलना, इसका प्रैक्टिस हेड पे खुलना, रिफ्लेक्स बढ़ना, ये पूरा इसमें ट्रेन होता है। आप इसमें सामने जब वो स्पॉट में जाते हैं आप, आपको डैमेज जोन दराव करना है प्रॉपर। तो सेम स्पॉट में इन्हें आ रहा, आपको पूरा प्रॉपर ऐसा प्रॉपर डैमेज जोन दराव करने का है आपको। उसको मौका ही नहीं देना, सेम वो स्पॉट पे जब आप रहते इसको मौका नहीं देना। समझ जा रहे ना, इससे आपके रिफ्लेक्स बढ़ते, जितना इसमें कम एक्सपोज कर सकते आप अपने आप को उतना कम करो, ताकि इसको मारने का मौका नहीं मिले। शॉट्स मिस होते आपके कभी कभी स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते, जैसा उन मूवमेंट दे रहा था मेरे शॉट्स भी मिस हो रहे थे। स्टार्टिंग में चोक हुआ तो मैं अंदर आ गया, फालतू का उसको रिकवर करने के चक्कर में ज्यादा ओवर पिक मत करो, सामने वाले को मौका इस नको दो मारने का, भले आप चोक कर रहे तुरंत अंदर आओ। जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो, जितना कम एक्सपोज कर सकते खुद को उतना कम करो। अब मेरा जरा चोक हो रहा, स्टार्टिंग के बुलेट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, तो मैं अंदर आ गया। अब जैसा आपका जैसा भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चोक कर दिया मैं स्टार्टिंग के बुलेट्स, तुरंत अंदर आओ, आ जा। समझ रहे ना, उसको भी मुश्किल हो रहा मारना, मेरे को भी मुश्किल हो रहा मारना। अब मेरे हेलमेट वेस्ट डैमेज हो गया, अब अगर मैं नया उठाया तो वो अनफेयर रहता, तो इसके साथ ही खेलने का रहता। तो समझ गया ना गाइस आप लोग, ये ड्रिल मेरी फेवरेट है अभी तक की, मैं बहुत प्रैक्टिस करा ये ड्रिल, और जितना आप खेलेंगे अच्छे बंदे के साथ उतना आपके लिए अच्छा है। जितने भी ड्रिल्स बता रहा हूं मैं ये वीडियो में, बहुत दिखने में अच्छी लगती, ट्राई करो आप लोगों को, इतना डिफिकल्ट लगेगा ना, मजा आएगा करके। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रिल, ये ड्रिल पूरी रिफ्लेक्स के ऊपर है। आपका टीममेट मतलब जिसके भी अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, एनिमी आपका हार्ड स्कोप लेके यहाँ बैठेगा, मैं यहाँ से निकलूंगा, यहाँ से निकल के भाग लेते आता हूँ मैं, पूरा रिफ्लेक्स पे उसको मारने का ट्राई करता हूँ।
उन्हें मेरे पे हार्ड स्कोप लेके इस पे एडवांटेज है, मेरे को उसको रिफ्लेक्स पे मारने का है। तो कैसा दिखता है ये देखो आप लोग। Blue team has scored for the first time. So guys, देख रहे हैं आप लोग, इस पे पूरा रिफ्लेक्स का गेम है, उस पे एडवांटेज है, उन्हें हार्ड स्कोप लेके बैठे हुआ है पूरा, अपने को पूरा रिफ्लेक्स पे मारने का है इसको, पूरा आगे ऐसा जो भी आप करते, क्राउच करके, पीक करके, जैसा भी मारना चाह रहे हैं, पूरा रिफ्लेक्स पे उसको जितना फास्ट मार सकते हैं मारने का ट्राई करो। So guys, देखे ना आप लोग, ऐसा पूरा आपको यहाँ से रन लेना है, यहाँ से रन लेके आपको यही जाना है और यहाँ जाते जाते उसको मारने का, इससे आपका रिफ्लेक्स बढ़ेगा। जैसा आप लोग पूरा रिफ्लेक्स वाला गेम, उन्हें हार्ड स्कोप लेके बेटा, अपने को पूरा उसको रिफ्लेक्स पे दे देने का है उसको। So guys, जैसा आप लोग देखे यहाँ पे, अगर आप बैठ रहे हैं आपकी मर्जी, आपको ऐसा हार्ड स्कोप लेके बैठना है बैठो, लेकिन इसमें आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। तो अगर आप ऐसा पीक का एडवांटेज लेके मारे तो आपका फायदा है इसमें, हार्ड स्कोप लेके नको बैठो, ऐसा रैंडमली जो भी आप कर रहे हैं, क्राउच करके मार रहे हैं, जैसा भी स्कोप खोल के मार रहे हैं, मारने का ट्राई करो, रिफ्लेक्स पे ट्राई करो पूरा। नाइस शॉट। देखिए गाइस, जैसा मैं पीक का पूरा एडवांटेज उठा, पूरा एडवांटेज है, उसको मौका नहीं दिया हमें मारने का, पूरा पीक का एडवांटेज उठाओ और मारो। कवर मी। हार्ड स्कोप लेके मोस्टली नको बैठो, अगर आपको ट्राई करना है हार्ड स्कोप लेके तो हार्ड स्कोप लेके भी ट्राई करो, लेकिन मोस्टली ये ट्राई करो रिफ्लेक्स पे मारो, जैसा उन्हें अपने को रिफ्लेक्स पे मार रहा, अपन भी ऐसा उसको रिफ्लेक्स पे मारना। So guys, जैसा आप लोग देखे पूरा मूवमेंट पे मारा मैं, अगर मैं पीक करके भी ऐसा नहीं, पीक हटाया फिर वापस स्कोप खुल के मारा, समझ रहे ना, क्राउच करा, अनक्राउच, जो भी ये मूवमेंट्स ये ड्रिल में जो मास्टर होने ना, ये आपको इन गेम बहुत मदद करने वाले। So guys, ये वीडियो में मैं आपको जो भी ड्रिल्स बताया ना, टीडीएम रूम जब भी आपके पास रहता, रूम आपके पास मिल रहा बनाने का, तो ये रूम बना के इसको यूटिलाइज करो। So guys, जो भी मैं आपको ये ड्रिल्स बताया, या आप आपकी टीम में आपको जो लगता है कि भाई जो अच्छा खेलता है सबसे उसके साथ खेलो, मैं डेली स्लेयर के साथ खेलता हूँ, क्रेटोस के साथ खेलता हूँ, ट्रांस के साथ खेलता हूँ, अभी मैं वीडियो बनाते टाइम पे अपने कोच सर के साथ हूँ, क्रांति सर हमारे कोच है, तो आपको आपकी टीम में जो भी अच्छा लगता है उसके अगेंस्ट खेलो, हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, मैं स्लेयर मोस्टली ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी टीम में आपको जो अच्छा लगता है उसके अगेंस्ट खेलो और इंप्रूव करो, पोजीशन चेंज करते रहो, कभी आप ये पोजीशन पे रहो, ड्रिल्स में वही स्विच कर लो अपना अपना स्पॉट, जब आप पॉइंट्स आपके 10 हो जाते तो तुरंत स्पॉट चेंज, ऐसा प्रैक्टिस करते रहो, और मोस्टली आपका ये अगर आप 7 दिन करे, आपका रिफ्लेक्स में इंप्रूवमेंट, पीक में इंप्रूवमेंट, क्राउच में इंप्रूवमेंट नहीं आया ना, तो आप बताओ मेरे को, आप ट्राई करके देखो, रिजल्ट खुद आप लोग आके बोलेंगे मेरे को, भाई मेरा रिफ्लेक्स बहुत फास्ट हो गया, मेरा टारगेट पे हेड, मतलब जब भी स्कोप कर रहा हूँ हेड पे घुर रहा। सो गाइस, आप लोग खेलो, रिकॉर्ड करो, आपका सबसे जो फास्टेस्ट रिफ्लेक्स रहता रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, मेरे को जरूर टैग करो, मैं जरूर देखूंगा उसको, और वीडियो पसंद आई तो गाइस जरूर लाइक करना और कमेंट करना, आपको सबसे आपकी सबसे फेवरेट ड्रिल कौन सी थी, जो आपको जो आप ट्राई करे सो ड्रिल, इसमें से जो आपकी सबसे फेवरेट थी वो बताओ मेरे को। अंटिल देन गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट। Reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul.